पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिल्कुल भी फर्क, घर घर जो बच्चे बच्चिया को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए वो जाके होम डिलीवरी कर रहे हैं, बिल्कुल फेल है। जब तक पदाधिकारियों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। इसलिए आप नहीं कर सकते तो शराबबंदी खत्म कीजिए, राजस्व को लाके गरीबों का आगे बढ़ाए खत्म करके, जो अगर पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, जो आप नहीं कर पाए इतने सालों में, पदाधिकारी आपको करने नहीं देंगे। और मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी कहा है कि जो मरे हैं उनके आश्रितों को सरकार पैसा देगी। मेरा आग्रह है, आप सरकार का पैसा मत दीजिए, जो जिस क्षेत्र में उसमें जो जो पदाधिकारी है सबसे तनख्वाह काट के उस पैसे से उस आश्रितों को पैसा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोरनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। जहरीली शराब से बिहार में एक बार फिर करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर है। अब ऐसे में इसको लेकर सियासत भी खूब हो गई है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के कहना है कि शराबबंदी बिहार में बिल्कुल विफल है, इसमें प्रशासन का मिलीभगत है। तो वहीं कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने बिहार से शराबबंदी खत्म करने की बात कही है, और वो साथ ही उन्होंने मांग किया है कि नीतीश कुमार मुआवजा देने की बात करते हैं तो मुआवजा उस क्षेत्र के पदाधिकारी का वेतन काट कर दिया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में शराब चालू करवाइए और जो उसे इनकम होगा उसमें शिक्षा और कई क्षेत्रों में बिहार के विकास में उसको लगाइए। क्या कुछ कहना है कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। शराबबंदी तो बिल्कुल हम लोगों ने पूरे विधानसभा में सभी विधायकों ने एक मुश्त होकर शराबबंदी लागू किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी है। लेकिन ये शराब माफिया पदाधिकारियों से मिलके पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, उसके आड़ में जहरीली शराबें बिक रहा है, इससे मौतें हो रही है, आप देख रहे हैं सब समय मौत हो रही है। और आपको बता दें, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 7-8-10 दिन पहले बोला कि 90% जो शराब पीते थे उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, यानी वो भी मानते हैं कि 10% लोग शराब पीते हैं। इसका मतलब है कि शराब पूर्ण रूप से बंदी नहीं है। अगर आप बंद पूरा करा सकते हैं, पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं, करा तो करिए, नहीं तो दुगनी तिगुनी कीमत करा के उससे जो राजस्व आए, राज का नुकसान हो रहा है, जो राजस्व आए उस गरीबों को मदद कीजिए, आश्रितों को मदद कीजिए, बाढ़ पीड़ितों को मदद कीजिए, आप शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, गरीब लोगों को घर बनाने का काम कीजिए। एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, उस पर शराब माफिया आपके पदाधिकारियों से मिलके 30-30 लोगों की मौत हो गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, उस आड़ में शराब भी बिक रहा है और जहरीली शराब भी आ रहा है। शराबबंदी कानून खत्म करके जो अगर पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, जो आप नहीं कर पाए इतने सालों में, पदाधिकारी आपको करने नहीं देंगे। और मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी कहा है कि जो मरे हैं उनके आश्रितों को सरकार पैसा देगी। मेरा आग्रह है, आप सरकार का पैसा मत दीजिए, जो जिस क्षेत्र में उसमें जो जो पदाधिकारी है सबसे तनख्वाह काट के उस पैसे से उस आश्रितों को पैसा दिया जाए। कानून खत्म होना चाहिए, बिल्कुल। हम तो कहेगा नहीं कर सकते, शराबबंदी खत्म कीजिए, दुगनी तिगनी कीमत करिए और उसे राजस्व जो है वो गरीबों के लिए आगे बढ़ाने का काम कीजिए, शिक्षा आगे बढ़ाने। बिल्कुल भी फल है, घर घर जो बच्चे बच्चिया को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए वो जाके होम डिलीवरी कर रहे हैं, बिल्कुल फेल है। जब तक पदाधिकारियों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। इसलिए आप नहीं कर सकते तो शराबबंदी खत्म कीजिए, राजस्व को लाके गरीबों को आगे बढ़ाने का।